आज मैं ये ऑयल डालने जा रहा हूँ, हाइब्रिड ईस्टर 0W16 फुल्ली सिंथेटिक, ये मेड इन जर्मनी है। ओके, अच्छा है ना, थोड़ा पतला भी है, बहुत पतला ही 0W16 है ना, पतला ही है। सॉरी, हम लोग डाल रहे हैं एडवांस ऑयल। अच्छा, ज़्यादा गोल्डन भी है और पतला भी है, देखते हैं कलर होना अच्छा। कितना, 3 लीटर जाएगा ना? 3 लीटर जाएगा। रुको, मैं दूसरा भी ला, तो 30 किलोमीटर बाद दिख जाएगा। और इतना पतला तो हेयर ऑयल आता है, बहुत पतला, ये तो हेयर ऑयल जितना पतला। 3 डब्बा 1 2 3 3 लीटर गया। ओके, इतना काला हो गया तो पासुक। अरे, 10,000 से ऊपर चला, 10,000 के ऊपर चल गया। हाँ, तो पास हो गया। इसमें वो सिर्फ ऑयल ट्रीटमेंट मैंने 5,000 के बाद डाला था, तो भी इतना काला हो गया ना। हाँ, चल, एक और 500 चलता था, 10,000 से भी ऊपर चला था। इसका कलर भी देख ब्लैक हो गया, गोल्डन रहना चाहिए। मैं अतुल, और आज मैं ये रिव्यू करने जा रहा हूँ 0W16 ऑयल, जो कब से मैं सर्च कर रहा था अमेजोन पे, तो मुझे ये मिला। थोड़ा एक्सपेंसिव है, 1,300 पर लीटर, बट यू नो, मुझे तो, मैंने यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा। पर वही एक है, ये 0W16 है, और जो 5W30 होता है, तो 5W30 थोड़ा थिक होता है और 0W16 बहुत पतला होता है। तो इससे मेरा एक एडवांटेज हुआ कि मेरा जो गाड़ी का एवरेज था, माइलेज था, वो बहुत बढ़ गया। बट थोड़ा गियर शिफ्ट करते वक्त या कुछ ऐसा गाड़ी में थोड़ा वाइब्रेशन बढ़ा। ओके, क्योंकि 0W16 है, तो ये जो फ्रिक्शन है ना, इंजन को नहीं देता इतना। तो इसका उपाय क्या है, इसके लिए इसके अंदर मैंने 400 रुपीज़ का वो ऑयल ट्रीटमेंट बाय किया, वो पूरा नहीं डाला, वो हाफ सिर्फ इंजन ऑयल में डाल दिया। अभी मेरी गाड़ी स्मूथ है और मुझे एवरेज भी मिल रहा है, और गाड़ी में गियर शिफ्ट या कुछ भी, मतलब इसे पहले जो वाइब्रेशन होता था वैसे भी वो कम हो गया। तो ये जब मैंने डाला, मुझे एक हफ्ते बाद मुझे वाइब्रेशन ज़्यादा महसूस हुआ। तो मैंने गूगल पे चेक किया, तो मुझे पता चला कि ये जो 7920 हाइब्रिड फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, देखो यहाँ पे आप देख सकते पूरा कि नॉर्मल लिखा, फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल प्लस इस्टर। सो ये इस्टर टेक्नोलॉजी, इसे एक्चुअली जो यू नो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, पर फिर भी 0W16 में ऑयल थोड़ा पतला होने की वजह से मुझे फ्रिक्शन दिखा और गाड़ी का वाइब्रेशन थोड़ा बढ़ गया था। उसका एवरेज भी बढ़ गया था पर वाइब्रेशन भी बढ़ गया था। तो मैं, यही कंक्लूजन है कि अब जब भी 0W16 ऑयल यूज़ करो, कौन सा भी, तो आफ्टर 5,000 किलोमीटर, और आफ्टर, अगर आपको 100 किलोमीटर के बाद ही आपको गियर शिफ्टिंग या यू नो कुछ इंजन में आवाज़ आने लगे, वाइब्रेशन बढ़ जाए, तो ज़रूर STP का ऑयल ट्रीटमेंट या लिक्विड मोजी का ऑयल ट्रीटमेंट यूज़ करो। जितना लिखा है उतना डालो, मतलब 3 लीटर के लिए जितना जाएगा उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन रहेंगे वो फॉलो करो। और नेक्स्ट टाइम भी मैं सोच रहा हूँ कि 0W16 का, मैंने मारुति वाला ऑयल है एक्स्टर का, उसका भी रिव्यू कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं शायद वही डालूँ अगर किधर मिला तो, वो सस्ता है। और उसके साथ मैं STP या लिक्विड मोलिक ऑयल ट्रीटमेंट डालूँ, पर वही मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था कि ये कितना है। तो लेट्स, आई होप कि ये 10,000 चले, वो मुझे लगता है चल जाएगा, क्योंकि आफ्टर 5,000 मैं अगेन इसमें ऐड कर दूंगा STP का ऑयल ट्रीटमेंट या लिक्विड मोलिक का, और मैं गाड़ी स्मूथ चलेगा। और पर ये मैं रिकमेंड करता हूँ, थोड़ा एक्सपेंसिव लगा मुझे वैगनार के लिए मेरे, तो वैगनार में यूज़ किया मैंने, तो वैगनार में इसको थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। अदरवाइज़ यू नो यू कैन गो फॉर इट फॉर एवरेज, या इससे कोई सस्ता ऑप्शन मिले या मारुति का एक्स्टार ही मिले तो वही डाल देना। पर भाई कि मैनुअल का 7920 मैं आपको अभी आगे बता दूंगा कि वो कितना पतला ऑयल है, थिक ऑयल है, और मैंने क्या रिप्लेस किया। ओके, तो यही रिव्यू था। अभी मैं उसके वेबसाइट पे भी आपको दिखा दूंगा, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। ओके, थैंक्स। ये मेड इन जर्मनी है, हाँ वो बताना भूल गया कि ये मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है, ये इंडियन नहीं है। तो ये
बड़े बड़े एक्चुअली BMW ऑडी पीडी वो सब कार में जाते हैं, पर मैंने इसको वैगनर में, मारुति सुजुकी न्यू वैगनर में ट्राई किया। थैंक यू, ये आप पढ़ सकते हैं खुद। तो ये है 0W16, अगर आपने अमेजोन पे डाला इंजन ऑयल तो यही इंजन ऑयल दिखाता है, मैनुअल का 7920 1300 का फ्रॉम जर्मनी, तो मैंने यही बाय किया था। ओके, ईस्टर टेक्नोलॉजी, और आप इसको देख सकते हैं और इसको बाय कर सकते हैं, इसका रिव्यू भी अच्छा है। ओके, बट अभी आपको मैं यही दिखाता हूँ कि मुझे क्या फील, मतलब गाड़ी में क्या हुआ, क्योंकि ये देखो, कैन आई यूज़ 5W30 इंस्टेड ऑफ 0W60, सो 5W30 विल फ्लो फाइन एंड इट विल गिव यू लॉन्जिटिविटी। ओके, सो मतलब ये लास्ट लॉन्गर होगा क्योंकि वो थोड़ा थिक होता है, बट देन दिस स्पेसिफाइड 0W20 इज फॉर बेटर माइलेज। सो ये 0W60 पतला होता है पर माइलेज के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने वो 0W60 परचेस किया, और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 0W60 ही परचेस करना और उसके अंदर ऑयल ट्रीटमेंट डाल देना। तो अगर आपको गियर शिफ्टिंग या गाड़ी में ज़्यादा वाइब्रेशन अगर फील हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 5W30। एंड मैं आपको अभी ये ईस्टर टेक्नोलॉजी बताता हूँ क्या है। ओके, सो तब तक आप, ये ईस्टर टेक्नोलॉजी क्या है बेसिकली, ये जो ऑयल रहता है ये सिंथेटिक ऑयल ही होता है, बट ये नेचुरल रिसोर्सेज से बनाया जाता है, जैसे वेजिटेबल मिनरल्स और एनिमल फैटी एसिड्स, और उसको बाद में प्रोसेस करके ये लोग ईस्टर टेक्नोलॉजी वाला ऑयल बनाते हैं, और ये ईस्टर ऑयल इज सुपीरियर क्योंकि ये ईस्टर ऑयल इसमें भी अपना एरोनॉटिकल्स में भी यूज होता है, प्लेन्स वगैरह में जो इंजन ऑयल यूज होता है वो मोस्टली वहाँ से होता है। तो ये SET द न्यू टेक्नोलॉजी, तो ये एरोस्पेस में यूज होता है, और आप इसका सब वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है थोड़ा SET ईस्टर, इट प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन इंजन डेंस स्टेबल ऑयल फिल्म। ओके, ये फिल्म बना देता है, एंड एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टी, लो वॉलेटिलिटी, एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज, एक्सट्रीम टेम्परेचर, डिटर्जेंट एंड डिस्परेंट प्रॉपर्टीज, इसकी वजह से मैंने बाय किया, इसमें डिटर्जेंट टेक्नोलॉजीज भी है, एंड बायोडिग्रेडेबल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्रॉम एयर स्पेस टू दिस। सो करेंटली ऑयल्स मेड यूजिंग ईस्टर आर वाइडली यूजिंग एविएशन, रॉकेट साइंस एंड प्रोफेशनल मोटर स्पोर्ट्स ड्यू टू देयर यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंजन प्रोटेक्शन एट एक्सट्रीम लोड्स एंड कॉन्स्टेंट चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑल्दो ईस्टर्स आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द अल्टीमेट सिक्योरिटी ऑफ कार इंजन्स, द रिलेटिवली हाई कॉस्ट ईस्टर्स दिस ऑटोमेटिक इंजन। सो दैट्स वाई ईस्टर टेक्नोलॉजी वाले ये जो मैनुअल का है वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये एरोनॉटिकल्स में भी, एरोस्पेस में भी यूज होता है, एविएशन इंडस्ट्री में यूज होता है। थैंक यू। सो यही था ईस्टर टेक्नोलॉजी के बारे में, और मैंने भी यूज़ किया, मुझे भी प्रोटेक्शन के बारे में तो अच्छा ही लग रहा है, ओनली वो आवाज़ आ रहा था तो मैंने उसमें सेफ साइड यूज़ कर लिया ऑयल ट्रीटमेंट। दैट्स इट। कुछ डाउट रहेगा या कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और भाई सब्सक्राइब शेयर।